क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हिंदुस्तान न्यूज 24 और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज के आखिरी वनडे में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला भारतीय टीम के लिए एक बार फिर गलत साबित हुआ और टीम इंडिया मात्र 18 रन के स्कोर पर अपने टॉप 4 बल्लेबाजों के विकेट गंवाकर दबाव में आ गई। सीरीज में अब तक शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और रोहित शर्मा लगातार दूसरी बार असफल रहे। धवन ने मात्र 6 रन बनाए जबकि रोहित शर्मा भी 2 रन बनाकर चलते बने। पिछले वनडे में डेब्यू करने वाले भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज सुभमन गिल ने भी एक बार फिर भारतीय टीम के साथ साथ अपने करोड़ों फैंस को निराश किया और गिल 7 रन के निजी स्कोर पर चलते बने। वहीं भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी भी असफल रहे और 1 रन बनाकर बोल्ट का शिकार बने। भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज्यादा अंबाती रायडू ने शानदार 90 रनों की पारी खेली। रायडू ने अपनी इस बेहतरीन पारी के दौरान 8 चौकों के अलावा 4 शानदार छक्के जड़े। इसके अलावा विजय शंकर ने 45 रन बनाए जबकि केदार जाधव ने भी 34 रनों की उपयोगी पारी खेली। लेकिन भारतीय पारी में रंग जमाया धाकड़ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। जी हां, पांड्या ने आखिरी ओवरों में कीवी गेंदबाजों की जमकर खबर ली। पांड्या की आक्रामक बल्लेबाजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने इस बेहतरीन पारी के दौरान चौके से ज्यादा छक्के जड़े। जी हाँ, पांड्या चौके सिर्फ 2 ही जड़े लेकिन 5 शानदार छक्के जड़। पांड्या ने एक बार फिर साबित किया कि वो विश्व कप में भारतीय टीम की जीत में तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। पांड्या की इस बेहतरीन पारी के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।